जिला पंचायत ने तालुका पंचायत ने चुटणी हवे गणतरी ना दिवसों बाकी छे अने बधा पक्षो प्रचार में जोर लगावी रह्या छे। राजकोट जिलाना उपलेटा तालुकाना खाखीजाळियानी तालुका पंचायत अने जिला पंचायतनी सीट पर आजे कोंग्रेसना पालभाई आंबलियाए जाहेर सभा संबोधी हती। आ सभा में धोराजीना कोंग्रेसना धारासभ्य ललित वसोया सहितना महानुभावो हाजर रह्या हता। पालभाई आंबलियाए अहीं भाजप पर आकरा प्रहारो कर्या हता अने सरकार घेरवानो प्रयास कर्यो हतो। खेडूतना विस्तार में खेडूतोने संबोधता पाल आंबलियाए खेडूतोना विविध मुद्दे सरकार पर आक्षेप कर्या हता। उपलेटा विस्तार ने खेडूतोना विमानो प्रश्न साथे खेडूतोने खेत पैदाशना भाव मळता नथी, जेने लईने खेडूतो हैरान परेशान छे। आ भाजप सरकार माले तुजारनी सरकार छे, तेने दिल्ली में चालता खेडूतोना आंदोलननी कई पड़ी नथी। महिनाओथी चालता खेडूत आंदोलनने समाप्त करवानो कोई प्रयास करता नथी अने त्रण कृषि कायदा पर लेवा परत लेवा नथी, जे जोता आ सरकार खेडूत विरोधी छे। माटे हवे खेडूतो आ सरकारने जाकारो आपशे तेवो मत व्यक्त कर्यो हतो। आ सभामां उपलेटा तालुकाना खाखीजाळिया उपरांत मोजीरा, सेवंतरा, गढाळा, नवापरा, केराळा गामना खेडूतो मोटी संख्यामां उपस्थित रह्या हता। रिपोर्टर सरफराज कोड़ी, उपलेटा। पालभाई आंबलिया चेरमेन गुजरात किसान कांग्रेस, आज खाखीजाळिया में तालुका पंचायत उम्मीदवार भरत भाई अने जिला पंचायत सरोजबेन नी जे एक चूंटणी सभा हती, ए चूंटणी सभा में खेडूत मतदार छे अने अत्यारे जे खेडूतोनी परिस्थिति आ सरकारे करी छे, जे त्रण काळा कायदाना विरोध में 91 दिवसथी 5 लाख करता वधारे खेडूतो दिल्ली में बैठा छे। उपलेटा तालुकाना खेडूतोने पाक वीमानो प्रश्न सतत सतावे छे। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजनाना नामे जे कोणीए गोळ सरकारे चोटाड्यो छे अने खास करीने तालुका पंचायत अने जिला पंचायतनी चूंटणीओमां मतदारो खेडूतो छे त्यारे 100 टका માત્ર ઉપલેટા જ નહીં ગુજરાતની તમામે તમામ તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયતમાં કોંગ્રેસનો ભવ્યાતિ ભવ્ય વિજય થશે। મેં હમણાં કહ્યું કે ઉપલેટા જ નહીં, તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયતની અંદર મતદારો છે એ ખેડૂત છે। આ સરકારની ખેડૂત વિરોધી નીતિઓથી ખેડૂત હેરાન પરેશાન છે, એટલે માત્ર ઉપલેટા ગઢની તો કોઈ ચિંતા જ નથી, કારણ કે એ ગઢમાં લલિત વસોયા જેવો હાવજ હોય તો એ ગઢને કોઈ પાડી ના શકે। પણ આખા ગુજરાતમાંથી તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયતમાં કોંગ્રેસનો ભવ્યાતિ ભવ્ય વિજય થશે।